नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिला ग्राम सभा भेदाबांध ब्लॉक कोपागंज में। यहाँ पे गांव में काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। देखा जाता है कि सरकार की तरफ से काफ़ी पैसे गांव में खर्च करने के लिए आता है, लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं जमीनी काम तो कुछ नहीं होता, कागज पे सारा काम उत्तर हो जाता है। आइए हम इसी तरह दिखाते हैं भेदाबांध जो ग्राम सभा है कि लोग अपने घरों से जो नाली का नवदान का पानी निकलता है वो गड्ढे में इकट्ठा करके और रोड पे ही फेंकते हैं। दिखाइए थोड़ा कि ये देखा जा रहा है पानी जो नाली का गड्ढे में इकट्ठा किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बीमारियां फैलती होंगी इससे और कितने मच्छर भी होते होंगे। आइए, यहाँ पे कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है अपने ग्राम सभा को लेकर, किस तरह से ग्राम सभा में विकास हो रहा है। सर, आपका नाम? हमारा नाम हरकेश कुमार भारती है जी। देखा जा रहा है ग्राम सभा में आपके घर के बाहर ही गड्ढे खोद के पानी इकट्ठा किया जा रहा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे कोई भी प्रधान आ रहा है और दूसरी बात कि विकास के नाम पे अपना वोट ले रहा है जी। और आने के बाद कुछ नहीं कर रहा है, सब पैसा उतार के अपना खा जा रहा है और बाकी कर वादा कर रहा है कि पैसा ही नहीं आ रहा है। तमाम तरह की समस्या बता रहा है, जो कि हमारे गांव के जिला पंचायत भी एक सदस्य हो चुके हैं जितेंद्र कुमार गोयल, लेकिन वो भी इस कार्य पे कोई हाथ लगाने वाला सदस्य नहीं है। देखा जा रहा है जहाँ आप खड़े मौके मौजूद पे ही पानी आपके जस्ट पीछे एक कदम भी नहीं है, पानी लगा हुआ रोड पे, गंदा पानी है, कोई आता जाता तो गिर भी जाता होगा, अनेकों प्रकार बहुत सी समस्या है। यहाँ पे जाइए पूरे गाँव में, अगल बगल पूरे क्षेत्र में यहाँ के जाके देखिए, हम लोगों का उधर साइड में घर में दूसरे तरफ गड्ढा पे इकट्ठा करके पानी फेंका जा रहा है। अच्छा, आपके ग्राम सभा के प्रधान है कौन इस समय वर्तमान? इस समय महेश यादव। महेश यादव है जी। क्या किस मुद्दे को लेकर चुनाव में वो जीत हासिल की, किस मुद्दे से आप लोग से वोट मांगे थे? नाली विकास के लिए, खड़िंजा उड़िंजा आवास वास के लिए जी मांगे थे वोट, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आचार संहिता लगा है, पैसा नहीं आ रहा है। आचार संहिता तो अभी करीब 15-20 दिन एक महीने से लगा हुआ, इसके पहले वो क्या कर रहे थे, क्या कुछ कहे आप लोग से मिले कभी? मिले, कह रहे हैं कि अभी मनरेगा का काम चल रहा है, उसका हो जाएगा तो अप्रैल मई में इसका कार्यकाल चलेगा। अच्छा, जब मनरेगा का कार्य हो जाएगा तो फिर जब तक, या तो इस साल में क्या लगता है कि इस साल में नवदान आप लोग का जो नाली होता है बन जाएगा इस ग्राम सभा में? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि अप्रैल मई से काम चलने वाला है, लेकिन अभी जब अप्रैल मई आएगा, जब चुनाव बीतेगा, तब ना उसका प्रोसेस देखा जाएगा। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा तो बेचू नाम है। बेचू? बेचू नाम है। हाँ। क्या समस्या है आपके ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में तो बहुत समस्या है। क्या समस्या बताइए? खरंजा का समस्या है, नाली का समस्या है, और पानी देख रहे हैं लग रहा है, इससे मच्छर होते हैं, आदमी आता तो गिर जाता है। अच्छी, क्या आपके जैसे देखा गया अभी बीमारी वोट लेने के ले लेता है और बस अपना घर चला जाता है, हम लोग ऐसे खाली पड़ जाते हैं। कौन प्रधान है इसमें? कोई भी प्रधान आता है इसमें वर्तमान में? आपको कौन प्रधान? महेश प्रधान है। महेश प्रधान? हाँ। क्या कोई कार्य करा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में दवा वा छिड़काए हैं? कुछ नहीं छिड़का रहा है साहब, कुछ नहीं छिड़का रहा है। सरकार की तरफ से तो सभी गाँव में छिड़काव के लिए आता है? सरकार की तरफ से तो ब्लॉक पर आता होगा, ब्लॉक पर से यहाँ आता नहीं है कोई दवा। सफाई कर्मी आता है कि नहीं? सफाई कर्मी देख रही है, चलिए वही नाली दिखा रहा हूँ, एकदम दिखा रही है, बैठने के कह रहे हैं कि सफाई कर्मी हमारे गांव में जो है वो एकदम नहीं आता है, कभी नहीं साफ करता है वो। गांव में आता ही है कि प्रधान के नहीं है? पर हो सकता है प्रधान के आता हो, मैं देखा नहीं हूँ, और वहीं से चला जाता होगा। यानी गांव में देखा जा रहा है इस ग्राम सभा में ना तो सफाई कर्मी आते हैं, ना ही रोड बनाए और ना ही नालियां। लोग अपने घर के बाहर पानी को गड्ढा खोद के इसमें इकट्ठा करते हैं और खुद हाथों से उठाते हैं और रोड पे ही फेंकते हैं, जिससे वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं रोड पे ही तमाम गंदा पानी लगा हुआ है, लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई उससे प्रधान जी को ना लेना, ना यहाँ के कर्मचारियों को लेना, ना यहाँ के सफाई कर्मियों को लेना। जनता तो वोट करती है चुनाव में कि हमारा विकास होगा, लेकिन यहाँ विकास नहीं, यहाँ लोगों का विनाश होता है। चिप में अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम महेश चंद यादव, हम भेदाबांध ग्राम सभा के प्रधान हैं।
जी सर, देखा जा रहा है आपके ग्राम सभा में एक काफी समस्या है, जो अपने घरों से लोग पानी निकाल के गड्ढा में इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद लोग वही पानी अपने हाथों से निकाल के रोड पे भी फेंक रहे हैं, जिससे काफी रोड पे जल जमा हो जाता है। उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बाल्टी और ना गड्ढे से तो पानी कोई नहीं फेंक रहा है, दोनों तरफ से। मान लीजिए कि जो पीच सड़क बनी हुई है, पीच सड़क से सटे हुए लोग अपना एक एक लैट्रिन भी बना दिए हैं, उसके सटे अपनी वो लोग दीवाल भी बना चुके हैं, और उसके दक्षिण साइड में खेत है जिसका, तो पानी आखिर विकल्प समस्या है कि हम किसके खेत में गिरावें और किसकी मकान हम रहे हैं। तो वह तो उन लोगों की समस्या, सभी लोग एक दिन इकट्ठा हों और उस समस्या को सभी लोग मिल करके ये बतावें कि मतलब किधर से निकल पाएगा ये। तो हमारे सामने यह समस्या है कि आखिर सभी लोग गौ के तो किसका स्वर फोड़ करके हम उसको बनवावें, सभी लोग बताएं कि आखिर इसका निदान किधर से होगा, खेत वाले में निकास होगा कि इसका घर और दीवार उसकी ढाही जाए। बस यही है, अब लोग उनको न बता पाते हैं इकट्ठा अन समस्या हो पाती है। तो ये पानी का समस्या कैसे लोगों की कम होगा, खत्म होगा? अब लोगों का खत्म होगा, सब लोग अपने अपने विचार से, जो लोग घर बनाए, अरे नाली बनेगी तो सबके दरवाजे से जाएगी, या तो दक्षिण छोर से जाएगी तो खेत से होकर के जाएगी, बात यही समस्या है। अच्छा, आपके ग्राम सभा में आपके द्वारा भी कुछ कार्य हुए कि नहीं? नहीं नहीं, जो पहले के सब काम तो उसी तरह से, नाली उली का सब अधूरा पड़ा हुआ है। जब आचार संहिता वाला यही काम खत्म होगा तो आचार संहिता के बाद जो है काम शुरू होगा फिर। अच्छा, देखा जा रहा कुछ समय पहले कोरोना काल को लेकर काफी पूरा देश पीड़ित था, ग्राम सभा में दवा का छिड़काव वड़काव किया जा रहा था, क्या आपके द्वारा कुछ किया गया? नहीं नहीं, दवा हुआ तो हमारा हमेशा छिड़काव हुआ है, लेकिन ग्रामवासियों का कहना कि हमारे ग्राम सभा में कोई दवा का छिड़काव नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, तो गलत सही बोलने के लिए तो कोई कुछ सकता, किसी की जवान को कोई रोक सकता है? कोई बच्चा तक ऐसा नहीं बता सकता है कि जहाँ पे दवा न छिड़की गई हो, हमेशा।